हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल वीडियो। अगर आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए सिंपल इजी स्लिप्स की कटिंग। तो चलिए आइए फ्रेंड्स, अब हम बाजू की कटिंग कर लेते हैं। ये हमने डबल साइड किया है। अब हम इसको सेंटर को देखते हुए हम फोल्ड कर लेंगे। वन टू थ्री फोर। ये हमने अच्छे से सेट कर लिया है। आइए अब हम निशान लगाते हैं। सबसे पहले हम लेंथ ले लेते हैं। ये हमारा एक्स्ट्रा, पहले हम जो हमें फोल्ड करना है मोरी का, हम 1.5 इंच का वो निशान लगाते हैं। फिर यहाँ से हम लेंथ रखेंगे अपनी बाजू की 17 इंच, और 1/2 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। अब हमने अपनी मोरी 5 इंच रेडी कर रखनी है। 5 इंच अब हम इधर से 3 इंच का निशान लगाएंगे। 3 इंच ही हम इधर लगाएंगे। एक सीधी लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। अब हमने अपने आर्म होल के निशान लगाने हैं। हमने निशान इस तरह से लगाना है। निशान लगाने के अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन मैं निशान इस तरह से लगा रही हूँ जैसे मेरी अपर बस्ट का साइज था 34। हमने इसका जो हम लूजिंग का 4 इंच प्लस करते हैं, हमने वो नहीं लेना है। हमने सिर्फ 34 का हमको डिवाइड करना है 4 से, और ये हमारा आ जाएगा 8.5, चौथा हिस्सा। 34 का चौथा हिस्सा हमारा आ जाएगा 8.5। तो हमें 8.5 पर निशान लगा देना है। इस तरह से यह हमने 8.5 इंच का निशान हमने लगा दिया है। अब हमने 3 इंच इधर निशान लगाना है। अगर जिनका साइज़ कम है तो वे 2.5 इंच 2.5 इंच इधर लगा सकते हैं। जो हैवी, जिनका साइज़ हैवी होता है, तो वे 3 की जगह 3.5 भी लगा सकते हैं। अगर 3.5 इधर लगाएंगे तो 3.5 इधर, 3 इधर तो 3 इधर, अगर 2.5 यहाँ पे तो 2.5 यहाँ पे, 2 इधर तो 2 इधर। आप अपने बॉडी के हिसाब से निशान लगा सकते हैं। मैं इधर अपना 3 का निशान, इधर अपना 2.5 दे देंगे। पहले हम जो हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कट कर लेंगे। मैं आपको एक बार से फिर से अपने निशान समझा देती हूँ। ये मेरा 17 इंच स्लिप्स की लेंथ है जिसमें ये तैयार होगी, और 1/2 इंच ये मार्जिन में चला जाएगा। अब ये यहाँ से 8.5 इंच हमारा आर्म होल का निशान होगा। 3 इंच का हम निशान इधर लगाएंगे। अब हम इस तरह से इसमें 2.5 दे देंगे। इस तरह से जिन्हें इस तरह से 2.5 देने में प्रॉब्लम होती है, वो पहले इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और फिर आराम से बस इसको इस तरह से ऐसे करना है, और फिर इधर थोड़ा सा अंदर कर देना है इस तरह से। अब हम स्केल की हेल्प से इधर निशान लगा लेंगे। अब हम ये निशान मिला देंगे। इसको हम इंची टेप से भी
लगा सकते हैं, लेकिन स्केल की हेल्प से अगर निशान लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से फिटिंग आएगी। ये देखिए, ये हम मार्जिन के निशान भी लगा देते हैं। ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा, इसीलिए हम कट कर देंगे। तो चलिए आइए पहले यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। अब हम यहाँ से भी कटिंग कर देंगे। और यहाँ पे सेंटर पे हल्का सा एक कट लगा देंगे। अब हमें फ्रंट के मोड़े की चटाई देनी है, जो लगभग हम 1.5 इंच से नीचे देंगे और यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। इतना ये छोड़कर, इतना ये छोड़कर हमें इस बीच गोलाई थोड़ी देनी है। इस तरह से पहले कम, फिर ज़्यादा, फिर कम, हल्के हाथों से हमें गोलाई दे देनी है, कुछ इस तरह से। इस तरह से अब हम इसको खोल के कट कर लेंगे। ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। हल्का सा कट इधर लगा लेंगे ताकि स्टिचिंग करने में आसानी हो। ये बाजू की कटिंग हमारी हो गई है।